आप सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश रुपए और डॉलर की वैल्यू सेम हो जाए। यह सवाल ठीक वैसा ही है कि आखिर हम रुपयों को चाहे जितना क्यों नहीं छाप सकते। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो जाए तो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं रहने वाली, और मैं आपको विश्वास दिलाने वाला हूँ इसके नतीजे कुछ उल्टे होंगे। वैल्यू सेम होने की स्थिति के कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों होंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसा होगा हमारा भारत अगर रातों रात एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए। सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि करेंसी की हाई वैल्यू का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उस देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका 1.4 येन के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रुपया और डॉलर बराबर होता है तो क्या फायदे होंगे। यदि सचमुच रातों रात ऐसा हो जाए तो हर वो व्यक्ति जिसके पास एक रुपया भी है तो वह लगभग 60 गुना ज़्यादा पैसे वाला बन जाएगा दुनिया के उन लोगों से जिनके पास रुपया नहीं है, और भारत दुनिया का सबसे पैसे वाला देश बन जाएगा। चूँकि अब जब सबके पास पैसा है तो हर कोई व्यक्ति अपने ऐशो आराम पर दिल खोल कर खर्च कर सकेगा। एक आम आदमी के लिए कुछ भी खरीदना अब मुश्किल नहीं होगा, और भारत लग्जरी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन की कीमत होगी सिर्फ 650 रुपये, जो कि आज की मार्केट रेट से बहुत कम है। चूंकि इंपोर्ट की प्राइजेस सस्ती होंगी तो पेट्रोल की प्राइजेस भी सस्ती हो जाएंगी, और इसका रिजल्ट होगा कि पूरे देश में सस्ता ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ ही देश के हर व्यक्ति जिसकी सैलरी 5000 रुपये महीना है वो 5000 डॉलर महीना हो जाएगी, जिसके चलते बहुत से देशों के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो इंडिया आना प्रेफर करेंगे। आप बिल्कुल भी मत चौंकिएगा अगर आप किसी अपने रिलेटिव के घर जाएं और ये कुछ ऐसा देखें। तो आइए इस कंडीशन से होने वाले कुछ नुकसानों की बात करते हैं। भारत से एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि रुपये और डॉलर की वैल्यू सेम हो चुकी है और भारत के प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे होंगे दूसरों देशों के कंपैरिजन में। अब यदि इंडिया से प्रोडक्ट महंगे हैं तो कौन भला इंडिया से प्रोडक्ट को खरीदेगा, जबकि सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं। भारत में अचानक फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, क्योंकि अभी भारत में इन्वेस्टमेंट का सीधा सा कारण है यहाँ की सस्ती लेबर कॉस्ट। विदेशी कंपनियाँ भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देगी क्योंकि यहाँ की लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है और लगभग 27% लोगों को रोजगार देता है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान करता है, भारत से चला जाएगा। चलिए अब जब एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो गया है तो आखिर क्यों कोई कंपनी भारत में किसी एम्प्लॉय को 75,000 रुपये या 75,000 डॉलर पर मंथ में हायर करेगी, जबकि यह सेम काम करने के लिए दूसरे देश में 3,000 डॉलर पर मंथ या 3,000 रुपये पर मंथ पर इजीली एम्प्लॉय अवेलेबल हैं। अल्टीमेटली लोग अपना रोजगार खोने लगेंगे, जो भारत की बेरोजगारी को ज़बरदस्त बढ़ा देगा। जब भारत में बाहर से पैसा नहीं आएगा तब इंडियन इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होगी, साथ ही भारत में जॉब आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगी। भारत की मौजूदा ब्रांडेड कंपनियां अचानक देश छोड़कर जाने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसा कि सन 2007-2008 में हुआ था, जब एक डॉलर 40 रुपए के बराबर था। इस समय इंपोर्ट तो अच्छा था, लेकिन आईटी सेक्टर में और बीपीओ में काफी मंदी आ गई थी। तो आखिर इसका सारांश क्या है? अगर हम सारांश की बात करें तो एक रुपया बराबर एक डॉलर की स्थिति हम जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।